हमेशा क्या लगाए जिससे हमारे चेहरे के दाग धब्बे रिमूव हो जाए, चेहरे पर निखार भी आए और चेहरे का सांवलापन भी खत्म हो जाए। आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई रेमेडी देखते हैं और उसमें कुछ ऐसा होता है जो हमें बाहर से लेना होता है, तो उसे हम वहीं पे स्किप कर देते हैं, ना लेके आते हैं, ना ही इस रेमेडी को हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेमेडी कितनी भी ज़्यादा फायदेमंद हो हमारी स्किन के लिए। तो आज की जो रेमेडी है बहुत ही इफेक्टिव है, इसे ऑल टाइप स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि रेमेडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है 1 से 1.5 चम्मच दही। ये घर की बनी हुई दही, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाली दही भी ले सकते हैं, बस दही बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे दही लिया है। 1 चम्मच के लगभग हमें यहाँ पे ऐड करना है हनी। ये फर्स्ट स्टेप है, इसके 2 ही इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे, बस दही और हनी, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें साइड में रख देना है। तब तक हम अपनी दूसरी रेमेडी बना लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे रखना है रेस्ट करने के लिए। एक बार मेरे बोलने पे इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम बनाएंगे हमारी सेकेंड रेमेडी। उसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा, और इस रेमेडी में विटामिन सी रहेगी। तो इसमें आप चाहिए तो अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर है तो उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट वाला ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो ऑरेंज के छिलकों को आप धूप में सुखा के भी उसका पाउडर बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ टोमेटो पल्प। अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे टोमेटो पल्प भी ले सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपके पास नहीं होता तो इस रेमेडी को आप अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑरेंज पील पाउडर की जगह पे 1 चम्मच टोमेटो पल्प ले सकते हैं। उसके बाद 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है, और 4 से 5 ड्रॉप हमें यहाँ पे लेना है लेमन जूस। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता है तो आप लेमन जूस को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा रोज वाटर लेना है, और 4 से 5 ड्रॉप हमें यहाँ पे लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की जगह पे आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, बादाम ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद इस रेमेडी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी दोनों रेमेडी रेडी हो गई है। और सबसे पहले हमें क्या करना है कि फेस को क्लीन करना है। जब भी आप कोई रेमेडी अप्लाई करते हैं तो उसके पहले हमें फेस को अच्छे से क्लीन करना है। अगर आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, तो फर्स्ट वाला स्टेप करने के बाद आपको हल्का सा स्टीम लेना है। इसके बाद आप सेकेंड वाली रेमेडी अप्लाई करेंगे, या फिर अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो टॉवल को हल्का सा गर्म पानी में डिप करके उसे भी फेस पे 2 से 3 मिनट तक रख सकते हैं। उससे भी हमारे फेस पे जो पोर्स होते हैं ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली रेमेडी फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इससे हमें मसाज करना है कम से कम 4 से 5 मिनट तक स्मूथली। इससे हमारे फेस पे जो डेड सेल्स है, गंदगी है, ओपन पोर्स के अंदर जो गंदगी होती है, वो सब कुछ रिमूव हो जाता है पहले ही स्टेप में। उसके बाद जब हम फेस पैक लगाते हैं उससे हमारी स्किन टाइट होती है, हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। फर्स्ट वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने हनी का इस्तेमाल किया है। हनी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। शहद में विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन जैसे स्रोत होते हैं। हनी में एंटी एजिंग, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं। शहद चेहरे के दाग धब्बों को, काली परत को दूर करने में हमारी मदद करता है। अगर आपके फेस पे जले का निशान है तो रेगुलर इस्तेमाल से जले के निशान को आप रिमूव कर सकते हैं। शहद हमारी हेल्थ, स्किन और हेयर तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और यहाँ पे जो हमने दही का इस्तेमाल किया है, दही हमारी त्वचा की रंगत को निखारने में हमारी मदद करता है। चेहरे के दाग धब्बों को इंस्टेंटली रिमूव करता है, हमारे चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो लाता है। अगर आपको कहीं शादी या पार्टी में जाना है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में गजब का निखार आने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश किया है। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारा जो सेकंड स्टेप है, फेस पैक। इस फेस पैक को सभी स्किन टाइप्स के लोग लगा सकते हैं। ये फेस पैक आपके डार्क स्पॉट, पिंपल के निशान को दूर करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करने लगती है, झुर्रियों को दूर करता है, फाइन लाइंस को रिमूव करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, वाइट बनाता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है और ये हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये फेस पैक। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो पार्लर का महंगा से महंगा फेशियल भी फेल है इसके आगे। आप इसे एक बार मेरे बोलने पे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल है ये फेस पैक, चेहरे पे बहुत ही अच्छा ग्लो लाएगा। जिसे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सनबर्न की समस्या है, उसके लिए तो वरदान है ये रेमेडी। इसे आपको हाथों की मदद से ही लगाना पड़ेगा, ये ब्रश से बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने चावल का आटा लिया है। चावल के आटे में बिल्कुल भी छिपछिपापन नहीं होता है। जब इसे आप फिंगर से लगाएंगे तभी जाके ये अच्छे से आपके फेस पे
लगेगा। और इसका एक थिक सा लेयर हमें लगाना है। जब ये ड्राई हो जाएगा 10 से 15 मिनट रखना है, तो हमें नॉर्मल वाटर से इसे रिमूव कर देना है। उसके बाद फेस पे कुछ ना कुछ जरूर लगाइएगा। यहाँ पे जो हमने चावल का आटा लिया है उसमें स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी स्किन को ग्लास स्किन बनाता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक को रिमूव किया है, आप देख सकते हैं कि फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है। एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, इंस्टेंट ग्लो देगा, दाग धब्बों को रिमूव करेगा। तो आई होप ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकॉन के साथ में, जिससे कि जब भी कोई नई रेमेडी शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।